छोटा छोटा वीडियो स्थिर वैद्युतिकी का बनाया गया था, लेकिन बहुत ही पुराना वीडियो है। इस बार स्पेशली रिवीजन के पर्पस से, और वैसे छात्र जिन लोगों का क्लास में क्लास किसी कारण बस छूट गया है, तो उन्हीं के लिए हम ये बना रहे हैं, ताकि बाद में रिवीजन करने में, या जिन लोगों का क्लास मिस हो गया है किसी कारणवश, तो उसको इस वीडियो के माध्यम से पूरा कर लेंगे। एक एक करके सबको बताना संभव होता नहीं है। तो स्थिर वैद्युत की हम टू द पॉइंट बात करेंगे। स्थिर वैद्युत की, इसको अंग्रेजी में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इसको दो पार्ट में अगर हम बांटें तो देखिए, ये इलेक्ट्रो, इलेक्ट्रो का मतलब इलेक्ट्रॉन से है, और एस्टेटिक्स, एस्टेटिक्स का मतलब एट रेस्ट होता है। एस्टेटिक्स का मतलब एट रेस्ट होता है, रेस्ट मतलब विराम, विराम। इसी को हम या स्थिर अवस्था भी कह सकते हैं। स्थिर, विराम यानी स्थिर, या स्थिर अवस्था। यहाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रो का मतलब इलेक्ट्रॉन से है, और इलेक्ट्रॉन का दो प्रॉपर्टीज होता है, एक मास और एक चार्ज। तो इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बारे में हम बात कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन के चार्ज, चार्ज को हिंदी में बोलते हैं आवेश। चार्ज को हिंदी में क्या बोलते हैं? आवेश। इलेक्ट्रॉन का दो ही प्रॉपर्टी है, एक तो इसका मास होता, दूसरा इसका चार्ज होता। इस पूरे चैप्टर में मास से बहुत ज़्यादा कुछ लेना देना नहीं है, चार्ज के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। तो चार्ज यानी, चार्ज जब रेस्ट अवस्था में रहता है, यानी आवेश जब विराम अवस्था या स्थिर अवस्था में रहता है, तो इसकी प्रकृति और गुणों के बारे में हम अध्ययन करते हैं। तो इसी ब्रांच को हम लोग स्थिर वैद्युतिकी कहते हैं। अगर पूछे स्थिर वैद्युतिकी का डिफिनेशन बताएं, बोलेंगे फिजिक्स यानी भौतिकी की एक ऐसी शाखा जिसमें आवेश जब स्थिर अवस्था में रहता है तो उसके प्रकृति और गुणों के बारे में अध्ययन किया जाता है। इसी ब्रांच को हम लोग स्थिर वैद्युतिकी कहते हैं। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, स्थिर वैद्युतिकी। अब हम बात करेंगे आवेश, ये आवेश क्या है, आवेश कहाँ से उत्पन्न होता है या प्रेरित होता है। तो अब हम आवेश के बारे में पढ़ेंगे। आवेश क्या, तो आवेश ये चार्ज। आवेश कई बार पूछता भी है बोर्ड एग्जाम में, आवेश क्या है, चार्ज। जनरली किसी वस्तु पर आवेश रहता नहीं है। जनरली किसी भी वस्तु पर जितना नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है उतना ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता। हमने हर एक परमाणु के बारे में पढ़ा भी है कि किसी भी परमाणु में जितना इलेक्ट्रॉन होगा उतने प्रोटॉन उसके नाभिक में उपस्थित होता। तो चूंकि इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता -1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम, और प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता +1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम। प्रोटॉन एक्चुअल में नाभिक में होता है, और इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा में, अलग अलग कक्षा में चक्कर लगाते रहता है नाभिक के चारों ओर। तो जनरली किसी भी परमाणु में जितना नंबर ऑफ प्रोटॉन होगा उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता, तो कुल धन आवेश कुल ऋण आवेश के बराबर होता। तो कुल धन आवेश, जैसे ही कुल ऋण आवेश के बराबर होगा तो वस्तु न्यूट्रल होगा, यानी आवेशहीन होगा। वस्तु कैसा होगा? आवेशहीन होगा, इस वस्तु पर कोई आवेश उत्पन्न नहीं होगा। लेकिन किसी कारणवश इलेक्ट्रॉन की संख्या घट बढ़ सकती है। बाहरी कक्षे के, कक्षा के इलेक्ट्रॉन को निकाला जा सकता, या उसमें बाहर से इलेक्ट्रॉन प्रवेश कराया जा सकता। जैसे दो वस्तु को रब करने पर, यानी आपस में घसीटने पर, घर्षण की वजह से इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण हो सकता है। तो किसी कारणवश दो वस्तु को जब आपस में रगड़ा जाता है तो इसके इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण हो जाता। तो इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण की वजह से किसी वस्तु पर आवेश उत्पन्न हो जाता। तो आवेश के बारे में अगर कोई पूछे कि आवेश क्या है,
या मूल भौतिक राशि के जैसा कोई भौतिक राशि है। एक्चुअल में ये मूल भौतिक राशि है नहीं, लेकिन मूल भौतिक राशि के जैसा ही कोई भौतिक राशि है जो किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के वजह से उत्पन्न होता है। जो किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण यानी ट्रांसफर के वजह से उत्पन्न हो जाता है या प्रेरित हो जाता है। तो ये रहा आवेश का परिचय कि आवेश क्या, यह मूल भौतिक राशि के जैसा कोई भौतिक राशि है जो किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के वजह से उत्पन्न होता है। अब है कि आवेश का सिंबल क्या, तो आवेश को जनरली क्यू से सूचित करते हैं, चाहे वो कभी कैपिटल क्यू से तो कभी स्मॉल क्यू से आवेश को सूचित किया जाता है। पूरे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ये क्यू नाम का सिंबल जहाँ कभी मिलेगा ये आवेश को प्रदर्शित करता है, मतलब आवेश को क्यू से सूचित किया जाता है। अब है कि आवेश का एसआई मात्रक क्या होगा, तो आवेश का एसआई मात्रक जो होता है, आवेश का एसआई मात्रक कूलाम होता है। आवेश का एसआई मात्रक क्या होता, कूलाम होता है। अंग्रेजी में लिखें या हिंदी में लिखें कूलाम ही लिखेंगे। अब है कि इसका बीमा क्या होगा, तो आवेश के लिए जो हम लोग बीमा लिखते हैं ये एटी, बीमा यानी डायमेंशन, या तो हम एटी लिखेंगे या एटी के बदले आईटी लिखा जा सकता है। एटी के बदले क्या लिखा जा सकता है, आईटी लिखा जा सकता है। क्योंकि करंट के लिए बीमा में हम सिंबल ए का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इसलिए एटी या ए के बदले कई बार आई का इस्तेमाल करते हैं, तो आईटी। ये रहा आवेश का एसआई मात्रक क्या हुआ, कूलम। अब है कि आवेश का सीजीएस मात्रक क्या होता है, तो आवेश का जो सीजीएस मात्रक है ये ईएसयू होता है। ईएसयू का मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, इसी को ईएसयू कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। इसी को कई बार शॉर्ट में स्टेट कूलम भी लिखा जाता है, क्या लिखा जाता है, स्टेट कूलम। तो ईएसयू लिखें या उसी को इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट पूरा नाम लिखते हैं, या उसी को शॉर्ट में स्टेट कूलम भी कहा जाता है। कई बार इसी स्टेट कूलम को, इसको एक अलग नाम दिया जाता है, जो एक अमेरिकन साइंटिस्ट थे जिनका नाम फ्रैंकलिन था, तो इसी यूनिट को, ईएसयू को ही इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, या उसी को शॉर्ट में स्टेट कूलम, या इसी स्टेट कूलम या ईएसयू को कई बार हम लोग फ्रैंकलिन लिखते हैं, मतलब इसी ईएसयू को ईएसयू नहीं लिख करके फ्रैंकलिन लिखा जा सकता। तो ये सब सीजीएस यूनिट, ऐसा यूनिट क्या, कूलम। सीजीएस यूनिट ऑफ इलेक्ट्रोस्टे मतलब सीजीएस यूनिट ऑफ चार्ज यानी आवेश क्या, ईएसयू, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, इसी को शॉर्ट में स्टेट कूलम भी कहते हैं, इसी का एक अनदर नाम फ्रैंकलिन भी है। अब है एसआई यूनिट और सीजीएस यूनिट में संबंध क्या है, एसआई यूनिट और सीजीएस यूनिट में क्या संबंध है, एक कूलम बराबर कितने स्टेट कूलम होंगे, याद रखेंगे एक कूलम बराबर 3×10⁻⁹ स्टेट कूलम होता है, स्टेट कूलम होता है, इसको हम लोग याद रखेंगे, एक कूलम बराबर 3×10⁻⁹ स्टेट कूलम होता है, इसी को 3×10⁻⁹ ईएसयू भी लिखा जा सकता है, 3×10⁻⁹ ईएसयू भी लिखा जा सकता है, एक कूलम बराबर। कई बार इसी को उल्टा करके पूछता है, एक स्टेट कूलम बराबर कितना कूलम, तो ये 3×10⁻⁹ इधर आके डिवाइड हो जाएगा, मतलब एक स्टेट कूलम बराबर अगर लिखना हो तो एक स्टेट कूलम या एक ईएसयू बराबर ये हो जाएगा 1/3×10⁻⁹ स्टेट कूलम, ये हाँ 10⁻⁹ कूलम हो जाएगा, 1/3×10⁻⁹ कूलम। इसी को अगर लिखेंगे तो 3.33×10⁻⁹ कूलम लिख सकते हैं, 3.33×10⁻⁹ कूलम लिख सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं,
एक कूलम्ब बराबर इतना स्टेट कूलम्ब, तो एक स्टेट कूलम्ब बराबर कितना कूलम्ब। तो चलिए अब हम आवेश के परिचय के बारे में बता दिए, मतलब आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है, सीजीएस मात्रक क्या होता है, इन दोनों के बीच क्या संबंध है। अब बीमा भी बता दिया गया। अब हम आते हैं कि आवेश के गुणों के बारे में पढ़ेंगे। तो आवेश का गुण क्या है, आवेश का गुण, तो आवेश के गुण को हम लोग अंग्रेजी में अगर लिखेंगे तो प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, क्या लिखेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, ये प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज आवेश का गुण है। तो पहला गुण हम लिखते हैं, बोर्ड पे हर बात लिखना संभव नहीं है, हम कई बार मौखिक रूप से बोल देंगे, आप लोग वीडियो को पॉज कर कर के कॉपी में नोट करते चले जाएंगे। स्टेट कूलम्ब, ये पहला, ये हम आगे बता रहे हैं आवेश का गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। आवेश के प्रथम गुण के बारे में बात करते हैं। प्रथम गुण है समान आवेश के बीच विकर्षण बल लगता है तथा असमान आवेश के बीच आकर्षण बल लगता है। समान आवेश के बीच विकर्षण बल लगता है, समान आवेश का क्या मतलब, नेचर में समान, यानी दोनों पॉजिटिव चार्ज हो या दोनों निगेटिव चार्ज हो, दोनों पॉजिटिव चार्ज हो या दोनों निगेटिव चार्ज हो, जैसे मान लें दो धन आवेश है तो ये समान आवेश है, तो समान आवेश के बीच कैसा बल लगेगा, विकर्षण बल लगेगा, कैसा बल लगेगा, विकर्षण बल लगेगा, यह है रिपल्सन या रिपल्सिव फोर्स, कैसा फोर्स है, रिपल्सन यानी रिपल्सिव फोर्स, इसी को हिंदी में विकर्षण बल कहते हैं। हम लिखेंगे पहले प्रॉपर्टीज में, दो समान आवेश के बीच हमेशा विकर्षण बल लगता है और असमान आवेश के बीच आकर्षण बल लगता है। समान आवेश का मतलब नेचर में समान, जैसे दोनों पॉजिटिव हो जाए या दोनों नेगेटिव, जैसे मान लें दोनों नेगेटिव चार्ज हो, ये भी नेगेटिव चार्ज है और ये भी नेगेटिव चार्ज है, ये भी नेचर में दो समान चार्ज है, यहाँ भी दोनों के बीच विकर्षण बल लगेगा, कैसा बल लगेगा, विकर्षण बल लगेगा, दोनों एक दूसरे से दूर जाने का कोशिश करेगा। जब कभी भी विकर्षण बल की बात हो, मतलब दोनों बल एक दूसरे से कहाँ जाएंगे, दूर चले जाएंगे। अब असमान आवेश के बीच आकर्षण बल लगता है, तो एक पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज है, तो एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, ये असमान आवेश है, इन असमान आवेश के बीच आकर्षण बल है, इस असमान आवेश के बीच क्या है, आकर्षण बल है, इसी को हम बोलते हैं अट्रैक्शन, क्या बोलते हैं, अट्रैक्शन, ATRACTION, अट्रैक्शन, आकर्षण बल, दो असमान आवेश के बीच आकर्षण लगता और दो समान आवेश के बीच कैसा बल लगता, विकर्षण बल लगता। ये था पहला प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। हम आगे के प्रॉपर्टीज पे जाते हैं। अब दूसरा प्रॉपर्टीज जो है उसमें एक लाइन में हम कह सकते हैं आवेश का क्वांटमीकरण, आवेश का क्वांटमीकरण, आवेश का क्वांटमीकरण। अब इसी को अंग्रेजी में लिखते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्या लिखते हैं, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। अगर कोई पूछे ये क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या है या आवेश का क्वांटमीकरण क्या है, तो हम बोलेंगे, अभी थोड़ा देर पहले आवेश के डिफिनेशन बताए थे, किसी वस्तु पर जनरली आवेश होता नहीं है, इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के वजह से आवेश उत्पन्न हो जाता है, तो इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के वजह से जैसे ही आवेश उत्पन्न होगा तो किसी वस्तु पर एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो सकता है या दो ज़्यादा हो सकता है, पाँच ज़्यादा हो सकता है या पचास कम हो सकता है, पच्चीस कम हो सकता है, कभी मतलब डेसिमल में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र हो जाए, जैसे 3.2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र हो जाए या 1.5 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र हो जाए, ऐसा संभव नहीं होगा। मतलब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होगा तो एक का ट्रांसफ़र हो सकता है, दो का ट्रांसफ़र हो सकता है, 2.25 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र कभी भी संभव नहीं है। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज कहता है किसी भी वस्तु पर आवेश का परिमाण, किसी भी वस्तु पर आवेश का जो परिमाण है हमेशा इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्ण गुणज होगा। इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्ण गुणज मतलब एक गुना, दो गुना, मतलब पचास गुना हो सकता है, दस हज़ार गुना, दस लाख गुना हो सकता है,
तो लेकिन कभी भी डेसिमल या फ्रैक्शन में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र नहीं होता, इसीलिए उसका मल्टीपल भी नहीं है। तो ये कह रहा है आवेश का क्वांटमीकरण का सिद्धांत, मतलब किसी भी वस्तु पर आवेश का परिमाण हमेशा इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्ण गुणज होता है, यानी इलेक्ट्रॉन के आवेश को अगर ई माने तो उसका पूर्ण गुणज। अच्छा, ये पॉजिटिव नेगेटिव नेचर में कुछ भी हो सकता है, तो क्यू इक्वल टू हम हमेशा लिखेंगे प्लस माइनस एन ई। कोई पूछे ये एन क्या, तो जहाँ एन जो है ये पूर्ण अंक है, एन क्या है पूर्ण अंक है, पूर्ण अंक यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये कभी भी 4.2 या 4.5 ऐसा संभव नहीं है। ये क्या, इलेक्ट्रॉन के आवेश का परिमाण, आवेश का परिमाण कितना 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम, 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम। ये आवेश के परिमाण के बारे में बात करें, और ये क्या एन क्या, तो पूर्ण अंक होगा, मतलब आवेश जब कभी भी किसी वस्तु पर होगा तो इलेक्ट्रॉन के 2 गुना हो सकता है, 3 गुना हो सकता है, 50 गुना हो सकता है, कभी भी 3.5 गुना या 3.25 गुना हो ऐसा संभव नहीं है। प्लस माइनस कैसे आएगा, तो किसी भी वस्तु से इलेक्ट्रॉन भाग जाएगा, इलेक्ट्रॉन भाग जाएगा इसका मतलब उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। क्यों, चूँकि प्रोटॉन की संख्या अधिक हो जाएगी, क्योंकि जनरली नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन की संख्या किसी वस्तु से भाग जाए मतलब प्रोटॉन की संख्या अधिक हो जाएगी। तो किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉन की संख्या कम हो तो धन आवेशित वस्तु हो जाएगा, कैसा वस्तु हो जाएगा धन आवेशित। अगर कहीं कहा जाए कि ये धन आवेशित वस्तु है, इसका मतलब है कि उस पर इलेक्ट्रॉन की संख्या कम है। अगर किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिक हो तो ऋण आवेश होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की संख्या कहीं तत्कालीन अधिक हो सकता है लेकिन नंबर ऑफ प्रोटॉन तो चेंज होगा नहीं। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिक हो गया मतलब जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन आ जाएगा उतने इलेक्ट्रॉन के बराबर निगेटिव चार्ज आ जाएगा। मतलब जिस किसी भी वस्तु पर इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिक हो यानी एक्सेस हो वहाँ ऋण आवेश होगा, जहाँ कहीं भी इलेक्ट्रॉन की संख्या कम हो यानी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो वहाँ पॉजिटिव आवेश होगा। अब हम बात करते हैं तीसरे प्रॉपर्टीज की, जिसको हम बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज ये तीसरा प्रॉपर्टीज है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज यानी आवेश संरक्षण सिद्धांत। क्या बोलेंगे, आवेश संरक्षण सिद्धांत। तो आवेश संरक्षण सिद्धांत क्या है यानी कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। आवेश संरक्षण सिद्धांत एक लाइन में कहता है आवेश को ना तो हम बना सकते हैं और ना ही इसका विनाश किया जा सकता है। आवेश को केवल एक वस्तु से दूसरे वस्तु तक स्थानांतरित किया जा सकता है। तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज में हम क्या बोलेंगे, आवेश को ना तो हम कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या कहता है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज एक लाइन में बोलेगा आवेश को ना तो हम उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही इसका विनाश हो सकता है, इसे केवल एक वस्तु से दूसरे वस्तु तक स्थानांतरित किया जा सकता है। यानी आवेश को हम बना नहीं सकते, इसे हम बर्बाद नहीं कर सकते हैं। तो चलो ये था आवेश संरक्षण सिद्धांत। अब हम बात करते हैं अगले अलजेब्रिक सम के बारे में, यानी इसको बोलते हैं एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज यानी आवेश का योग गुण नियम। आवेश का योग गुण नियम, आवेश का योग गुण नियम क्या है या योग गुण धर्म क्या है। योग गुण धर्म के बारे में बोलेंगे एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। क्या बोलेंगे, एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। एडिटिव प्रॉपर्टी का क्या मतलब, जैसे मान लें किसी एक वस्तु पर हम 2-3 आवेश रख रहे हैं तो सिंपल अलजेब्रिकली सम होता है। तो कुल धन आवेश, जैसे मान लें कि इस पर चार्ज Q1 हो, इस पर चार्ज Q2 हो और इस पर चार्ज -Q3 है, तो कुल आवेश कितना होगा। तो इस वस्तु पर जो कुल आवेश होगा, किसी भी वस्तु पर जो कुल आवेश होता है वो अलजेब्रिक सम होता है, मतलब जितना पॉजिटिव चार्ज है सबको प्लस कर देंगे और जितना निगेटिव चार्ज है उसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। इस वस्तु पर उपस्थित कुल आवेश का मान कितना होगा, कि किसी भी वस्तु पर जो उपस्थित आवेश का जो परिमाण है उस पर उपस्थित अलग अलग आवेश के बीजगणितीय योग।
यानी अलजेब्रिक सम के बराबर होता। बीजगणितीय योग का मतलब अगर धन आवेशित वस्तु है तो प्लस प्लस के साथ, ऋण आवेशित वस्तु है तो माइनस चिन्ह के साथ लिखा चला जाएगा। अब पांचवें प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं। पांचवा प्रॉपर्टी ये रिलेटिबल है मास से, जैसे मास किसी भी वस्तु का नहीं बदलता है, लेकिन अगर प्रकाश के कंफर्टेबल वेग से किसी वस्तु को फेंक दिया जाए तो मास चेंज हो सकता है, जिसको रेस्ट मास इक्वेशन बोलते हैं। मास चेंज हो सकता है, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ मास किसी भी वस्तु का चेंज हो सकता है जब लाइट के कंफर्टेबल यानी तुलनात्मक वेग से फेंका जाए, लेकिन आवेश का परिमाण गति के दौरान कभी नहीं बदलता है। ये भी एक इसका प्रॉपर्टीज है, आवेश को किसी भी वेग से अगर थ्रो किया जाए, किसी भी वेग से फेंका जाए, यानी गति के दौरान, गति के दौरान किसी भी वस्तु का आवेश का परिमाण नहीं बदलता। तो लास्ट प्रॉपर्टीज है मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज डज नॉट चेंजेज, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज डज नॉट चेंजेज ड्यूरिंग द मोशन। आज का वीडियो हम यहीं स्टॉप करते हैं। अब इस पूरे सीरीज में हम पूरे बिहार बोर्ड के और हिंदी माध्यम के बच्चों के लिए हम सीरीज बना रहे हैं, जिसमें टॉपिक वाइज सारे चैप्टर का वीडियो अपलोड किया जाएगा। तो जिन लोगों को ज़रूरत हो अपना देखते रहेंगे सिस्टमेटिक ढंग से। अब डेली एक ना एक वीडियो किसी भी टॉपिक से रिलेटेड मिलता जाएगा सिस्टमेटिक ढंग से। तो ऑलरेडी इलेक्ट्रिक करंट का वीडियो ऑलरेडी अपलोड है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बाद हम डायरेक्ट मैग्नेट का अपलोड कर देंगे। ये उन छात्रों के लिए है जो बिहार बोर्ड का तैयारी करना चाहते हैं, जिनका बेसिक गड़बड़ है, उन सारे बच्चों के लिए। तो हम आज भर इतना ही छोड़ते हैं, अगले में हम इससे आगे के टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे। अब हम मिलते हैं अगले दिन, धन्यवाद।